हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत सैनी अपने चैनल सन रोबोटोनिक्स टेक्नोलॉजी में आपको स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारा सैनिटाइजर है उसे बिना टच किए कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर। ठीक है, तो इसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे हम लोग, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर, ऑर्डिनो यूनो, एक रिबन यूज़ किया है उसको प्रेस करने के लिए, वायर यूज़ कर रहे हैं मेल टू मेल और फीमेल टू मेल, ये एलक्लम्स यूज कर रहे हैं। एलक्लम्स यूज करके हम इसका स्टैंड बनाएंगे जहाँ पे से माउंट करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब इसे जो सारे कंपोनेंट है उसे असेंबल करते हैं। असेंबल करने से पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है। तो इसमें जो यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं ऑर्डिनो यूनो, अल्ट्रासोनिक, सर्वो मोटर, ये इसमें हमारे मेजर कंपोनेंट है, और पावर सप्लाई आर्डिनो में जाएगी और अल्ट्रासोनिक का डेटा हमारा जाएगा आर्डिनो में और सर्वो मोटर को ड्राइव करेगा हमारा ऑर्डिनो। जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं इनकी अब हम लोग वायरिंग करते हैं। तो हमारा ऑरेंज वाला ग्राउंड है और ब्लू वाला हमारा वीसीसी है, तो इसे हम वीसीसी को ग्राउंड में लगा देते हैं। इसमें हम लोग दो ही कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, सर्वो मोटर और अल्ट्रासोनिक, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब मैंने ट्रिगर पिन जो है हमारी ग्रीन वाली वो लगा दी है पिन नंबर 8 पे, और जो इको पिन है वो लगा दी है पिन नंबर 9 पे। सर्वो मोटर की सप्लाई हम लोग ऑडियो से ही देने वाले हैं। जो सर्वो मोटर को ट्रिगर करेगा वो हम यूज कर रहे हैं पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे जो पिन नंबर 6 है वही पिन हमारी PWM पिन है। आप इसकी जगह पे पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10, 11 भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी वायरिंग हो गई। इसको जो हमारे कंपोनेंट है उसे बोतल में माउंट करने से पहले हम लोग सैनिटाइजर का स्टैंड बना लेते हैं जहाँ पे इसे रखने वाले हैं। तो अब इसमें हम सर्वो मोटर को माउंट करेंगे। अगर हमारी बोतल का सरफेस प्लेन होता है तो हम सर्वो मोटर को इजीली अच्छे से माउंट कर सकते हैं इसमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब इसमें हम इस रिबन को माउंट करेंगे। जैसे ही हमारी सर्वो मोटर मूव करेगी वैसे ही इसका जो नोज़ल है हमारी बोतल का वो प्रेस हो जाएगा और जो हमारा सैनिटाइज़र है उसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिबन वायर को जो हमारे बोतल है उसके बॉटम में लगाएंगे। उसके बाद इसे हम जो हमारी सर्वो मोटर है उसमें हम टाई कर देंगे।
अब हमने इसे टाइट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कुछ इसका लुक जो है। अब इसे हम जो हमारा स्टैंड बनाया है उसमें इसे जो हमारे कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट माउंट करने वाले हैं। इसमें जो हम सप्लाई यूज़ करेंगे वो हम पावर बैंक यूज़ करेंगे। ये पावर बैंक आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। ये हमारा 11,000 mAh का पावर बैंक है। पावर बैंक का जो सर्किट है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब जितने सेल लगाएंगे, जितने mAh के सेल लगाएंगे उतने mAh का पावर बैंक बना सकते हैं। पावर बैंक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र का लुक काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। जैसे ही अपने हाथ को हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने लेके जाते हैं वैसे ही हमारा सैनिटाइज़र डिस्पेंस हो जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।